सभी भाई बहनों को नमस्कार। मैं राजेश शर्मा, श्री कृष्णा प्रॉपर्टी से। आज जो हम आपके लिए वीडियो लेके आए हैं, ये वीडियो डिस्ट्रिक्ट होशियारपुर के ऊना रोड से कोई लगभग 4-5 किलोमीटर इनसाइड में एक फार्म है, नियर अबाउट 104 एकड़ के आसपास। 104 एकड़ के आसपास ये फार्म है। ये जो आपको वीडियो दिखाई आ रही है, ये उसकी आउटसाइड जो फार्म की है, जो बाहर वाली साइड है, वो गाड़ी पे, क्योंकि इसका फ्रंट काफ़ी लंबा है, नियर अबाउट 1 किलोमीटर से ज़्यादा इसका लिंक रोड पर फ्रंट है। रोड के दोनों साथ में ज़मीन है और सारी में पॉपुलर लगा हुआ है। कुछ पॉपुलर पहले साल में है, कुछ दूसरे साल में है, कुछ चौथे साल में है, अप्रॉक्सीमेटली काटने योग्य भी हो चुका है। और ये जो ज़मीन है, इसमें 4 समर्सिबल पंप हैं और इससे ज़मीन से कोई 8 किलोमीटर की दूर पर एक डैम है। उस डैम का पानी भी इरिगेशन के लिए 5 पॉइंट इस धरती में इरिगेशन पॉइंट के भी हैं। जो रोड के साथ में इसका फ्रंट चल रहा है नियर अबाउट, वो आप लगा के चलिए कि 1 किलोमीटर से ज़्यादा इसका फ्रंट है, 104 एकड़ है। अभी आपको जो हम गाड़ी में घूम रहे हैं, इसकी आउटसाइड की वीडियो दिखाई जा रही है। इसका फिर सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट भी आपको एक आधे दिन में दिखाया जाएगा, जिसमें इसका इनर व्यू भी होगा। ये जो ज़मीन है, इसके जो ओनर हैं, ये सरदार कंग साहब हैं। और ये जो फार्म है, एक फार्म होता है कि जो किसी लायबिलिटी टाइप होता है कि जिससे खर्चा होता है, आमदनी होती है, लेकिन ये अर्निंग वाला फार्म है। इसमें इतनी बढ़िया पॉपुलर की क्रॉप्स होती है कि अप्रॉक्सीमेटली 4.5-5 साल में पॉपुलर काटने योग्य हो जाता है। और जो भाई इसमें मल्टी क्रॉप्स करना चाहें, मल्टी क्रॉप्स भी कर सकते हैं। प्रॉपर डिजाइंड फार्म है और बढ़िया तरीके से बना हुआ है। और लगभग आप लगा के चलिए कि जो पॉपुलर की वर्थ होती है, वो 1 एकड़ से 5-6 लाख का आफ्टर 5 ईयर निकल जाता है। धरती बहुत ज़्यादा फर्टाइल है, इसके पास में लोगों ने धान भी लगाई हुई है, लेकिन इस फार्म में एक बहुत आलीशान बीच में कोठी भी है, जो कि आपको दूसरी वीडियो में दिखाई जाएगी। और ये फार्म जो है, इसकी जो डिमेंशन है वो 3680 गज की है, जिनकी जो एकड़ साइज है इस एरिया का, वो 3680 गज का है। और इसकी पहले भी मैं ऑलरेडी पोस्टिंग कर चुका हूँ, इसकी मेरा वेबसाइट है shrikrishnapropertycom, www.shrikrishnapropertycom, और रियल स्टेट पे मेरा पोर्टल है, उस पर इसकी ऑलरेडी मैं पोस्टिंग पहले भी कर चुका हूँ और इसके बारे में पूरी डिटेल मैं वहाँ भी कर चुका हूँ, लेकिन इसकी तब वीडियो मैंने बनाई नहीं थी, वीडियो बनाई थी लेकिन मैंने पब्लिश नहीं की थी। तो यानी कि अप्रॉक्सीमेटली 5-6 महीने की इस पहले भी इसकी मैंने पोस्टिंग की हुई है। और ये जो ज़मीन है, बहुत ही ज़्यादा फर्टाइल है, लेकिन जो फार्म है, 0 लेवल के इसमें खेत हैं, लेकिन जो खेत है वो स्टेप में है। जैसे हम रोड में घूम रहे हैं, तो जैसे हम रोड से एंटर होते हैं ऊना रोड से, तो जो राइट हैंड साइड वाले पार्ट है वो धरती ऊँची है, वहाँ समर्सिबल पंप लगे हुए हैं, अंडरग्राउंड जो वाटर है धरती का, बहुत मीठा पानी है इस एरिए का। और एरिया जो है बहुत ज़्यादा शांत एरिया है, पीसफुल एरिया है, पोल्यूशन फ्री एरिया है, हाईवे से पास में है और डिस्ट्रिक्ट होशियारपुर से अप्रॉक्सीमेटली कोई 10-12 किलोमीटर के डिस्टेंस पे ये फार्म, 12 किलोमीटर अप्रॉक्सीमेटली है, प्लस माइनस 1-2 किलोमीटर। और ये जो ज़मीन है बहुत ही ज़्यादा फर्टाइल है, लेकिन इसमें एक बात है कि इसकी जो ट्रांजैक्शन होगी, इसकी जो डील होगी, वो एक्सपेक्टेशन जो प्राइस है वो 13 लाख है, नेगोशिएबल है अकॉर्डिंग टू टर्म एंड कंडीशन, लेकिन इसकी जो ट्रांजैक्शन होगी, जो भी भाई इस ज़मीन में कंसिडर करते हों, वही इसको कंसिडर करें जो डील वाइट मनी में करना चाहते हैं। ये तो मोस्टली रियल एस्टेट में होता है कि गवर्नमेंट के प्राइस के हिसाब से रजिस्ट्री करवाई जाती है, लेकिन इसकी जो डील होगी सारी वाइट मनी में होगी। जो भी इसमें इंटरेस्टेड हों, जिनके पास वाइट मनी हो, जिस रेट में आपका डील होगी उसी रेट में आपकी रजिस्ट्रेशन होगी। मान लो कि आपकी डील समथिंग 12 के आसपास कहीं भी होती है,
तो आपको रजिस्ट्रेशन उसी रेट में करवानी पड़ेगी। आपको सर्कल रेट के हिसाब से आप इसकी रजिस्ट्री नहीं करवा सकते, क्योंकि ये ऑनर की फर्स्ट कंडीशन है कि मैं इसको फार्म को सेल करूंगा, क्योंकि ये बहुत ही बढ़िया फार्म है। और अब कोई किसी भाई का क्वेश्चन आएगा कि यदि इतना बढ़िया फार्म है तो सेल क्यों हो रहा है, उसका मैं आपको बता देता हूँ कि सिद्धार्थ साहब हैं अभी रिप्यूटेड एक पोस्ट से रिटायर्ड हुए हैं काफ़ी समय से, और एज एक एज फैक्टर है, और दूसरा जो आगे बच्चे हैं उनका इंटरेस्ट इतना नहीं है, तो इसलिए इस फार्म की सेल की बात चल रही है। जो भी भाई इस फार्म के बारे में और जानना चाहता हो, इंटरेस्टेड हो, तो वो मेरे व्हाट्सएप नंबर 9876021123 पर संपर्क कर सकता है। जो ये लैंड है, इसका मेरा वैसे वीडियो अपलोड करने का कोई विचार नहीं था, क्योंकि ऑलरेडी ये फार्म ऑलरेडी कंसिडर्ड है, लेकिन कोई भाइयों की डिमांड थी कोई ऐसा फार्म दिखाओ जिसमें पॉपुलर की क्रॉप्स हो, तो इसलिए मैंने ये वीडियो अपलोड की है। तो ये जो फार्म है बहुत ही फर्टाइल है, 5 मोटरें हैं, 5 डैम के इसमें पानी के सोर्स हैं। तो जो भी भाई इस फार्म के बारे में और डिटेल चाहता हो, पॉपुलर का पूरा भरा हुआ है, वो मेरे व्हाट्सएप नंबर 9876021123 पर संपर्क कर सकता है। जो इस चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्रेस बेल आइकॉन फॉर अपडेशन ऑफ न्यू वीडियो, घंटी का बटन आप जरूर दबाइए जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपका मिलता रहे। तो जो भी भाई इस चैनल पर जिनको वीडियो अच्छी लगे वो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए और आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आपको और हम आपके लिए और अच्छी अच्छी वीडियो लेके आते ही रहें। तो सभी का वीडियो वॉच करने के लिए धन्यवाद, नमस्कार, सत श्री अकाल, जय श्री कृष्णा। तो इसका जो अगले दो पार्ट है जिसमें आपको इनसाइड की व्यू दिखाई जाएगी वो